بسم الله الرحمن الرحيم من يهده الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونكتب ما قدموا وآثارهم اور اسی لکھ لینے ما قدموا جو کچھ تسی اگے بھیج دیو وآثارهم اور جو کچھ تسی پیچھے چھڑ جاندے ہو برادران اسلام معزز سامعین حضرات ہر قسم دیاں حمداں ثناواں تعریفاں کبریائیاں اللہ رب العزت واسطے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ते होवन। हज़रात मोहतरम, इस कायनात दे अंदर बड़े बड़े दीनदार अपने आप नूं कहने वाले लोग देखे, कि जिन्ना लोगां दे इलम दे अंदर कुरान पाक दी आयात भी और अल्लाह दे सोने पैगंबर अलैहि सलातो सलाम दी अहादीस भी ने, लेकिन पैसे दा बहुत ज़्यादा आ जाना इस वजह तो कई ऐसे कम कर जाते ने कि जिदे नाल इहकामात शरीयत दे नज़रअंदाज करके माशरे नूं रख देने। कई अहबाब अपनी बरादरी देख के, खानदान देख के, रिश्तेदार देख के और अपने अजीज़ो अकारब और अपने दाएं बाएं रहने वाले लोगों नूं देख के कुरान और हदीस दी बात नूं नज़रअंदाज कर देंदे ने, जो कि मोमन बंदा जेड़ा है उहदी ऐ शान नहीं, बल्कि मोमन दी शान इस बात अंदर ही है कि उन्हूं जिस भी मौके ते कुरान और हदीस दा पैगाम मिले उसनूं तस्लीम कर ले। आइए गौर कीजिए, इस कायनात दे अंदर जितने अहबाब असी दुनिया के अंदर मौजूद हाँ और सानू सारयानू अपने जेड़े प्यारे अजीज़ो अकारब दुनिया तो चले गए ने या साड़ी जिंदगी के अंदर जाते ने, साड़ी कोशिश होंदी है कि अल्लाह पाक इहदे ते खैर करे, मेरी भैन है या मेरा भाई है या मेरा बेटा है या मेरे अब्बू ने अम्मी है, जेड़ा भी अहबाब है। लेकिन बाज दफ़ा बंदा उलझ जाता है, गलत फहमी का शिकार भी बन जाता है। आइए जरा गौर करना कि जिस वक्त बंदा मोमन बंदा कबर दे सवालों जवाब अंदर कामयाबियां कामरानियां अल्लाह की तरफों नसीब हो जांदियां, उदे तो बाद अंदर वह बंदा सवाल करता है, या अल्लाह मैनू दुनिया ते जान दे, मैं अपने अजीज व अकारब नूं इस बात की खुशखबरी देवां कि अल्लाह ने मैनू कामयाब फरमा छड़े। क्योंकि असल बंदे की जिंदगी कामयाबी वाली आखरत वाली है। कुरान ने इस बात का वादे तौर पर ऐलान फरमाया है। अल्लाह फरमाते ने कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामति फ़मन ज़ुहिज़िहा अन्नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह फरमांदे ने इंसान वास्ते कामयाबियां ते कामरानियां किदे अंदर ने, फरमाया हर जानदार ने, हर चीज़ ने मौत दा ज़ायका चखना ही चखना है। जेड़ी भी चीज़ दे अंदर जान है ना, उन्हें सदा नहीं रहना। फरमाया हर जानदार चीज़ ने मौत दा ज़ायका चखना है। उहदे तो बाद अंदर फरमाया वा इन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम, अल्लाह फरमाते ने क़यामत दा दिन होएगा उन्होंने पूरे का पूरा अजर दिता जाएगा, बदला दिता जाएगा। जेड़ियां नेकियां कीतियां ने उन्होंने अंदर कामयाब लोग केड़े ने, तेरा मेरा जेन है ना कि दुनिया के अंदर बंदा अगर अपना कारोबार नहीं बंदा सोचता है अपना कारोबार होएगा तो मैं कामयाब हो जावगा। बंदा जिम्मेदार है, सोचता है कोई चार पांच डंगर ले लवागा तो मेरे वास्ते कामयाबी का जरिया तो सबब बन जाएगा। बंदा सोचता यार मेरा बेटा जेड़ा माल डंगर सामभ नहीं सकता, जिम्मेदारा कर नहीं सकता, क्यों
ना होवे मैं अपने बेटे नूं दुकान बना देवां, बेटे दी जिंदगी कामयाबियां दी तरफ आ जाएगी। ए मेरी ते तेरी सोच है, लेकिन अल्लाह फरमांदे ने मेरे हां कामयाब बंदा केड़ा है। फरमाया वा इन्नमा तुवफ्फौना उजूरकुम यौमल क़ियामति फमन ज़ुहज़िहा अनिल नार वा उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह फरमांदे ने जेड़ा बंदा आखरत दे अंदर नेकियां वाला पलरा जिदा पारा होया ते बदियां वाला कम हो गया, और अल्लाह पाक ने जहन्नम तो आजाद करके ते जन्नत दे टिकट दा ऐलान फरमा छड़िया, असल अंदर वह बंदा कामयाब है। हम मोमन बंदे नूं असां दफनाया बे कब्रस्तान च दफनाया, जनाजा पड़िया कब्र ते दुआ कीती है आ गया, सवालो जवाब अंदर कामयाब हो गया वे ते अल्लाह दी तरफ। फिर अल्लाह दे फरिश्तियां नूं वह बंदा की आखदा, मैनू दुनिया ते जाम देवो, मैं अपने घर वालियां नूं खुशखबरियां देवा। ते फरिश्ते आंदे ने नम कनौमत अलउरूस, इस तरह सोजा जिवें पहली रात दुल्हन सुनदी है मुराद की है, ओनू ओदे शोहर तो इलावा किसे होर ने जगाना नहीं। तू भी सौं जा, कल क्यामत नू तेरा मालक तेनू आप ही जगा लवेगा, आप ही तेनू तेरा मालक उठा लवेगा। हजरात उन पता चलिया कि जेड़ा बंदा दुनिया दी जिंदगी तो चला जांदा है, ओदी आखरत वाली जिंदगी है, आखरत वाली जिंदगी है, ओदा दुनिया नालो नाता रिश्ता टुट जांदा है। चाहे कोई भी इंसान होवे, चाहे अंबिया नबिया दी लिस्ट अंदर है, या कोई अल्लाह दा वली, या आम बंदा जेड़ा भी दुनिया तो जांदा है, और जिस भी अंदाज नाल दुनिया ते जिंदगी गुजार के गया है, अपने मालक नूं राजी करके गया है या मालक दियां नाफरमानियां करके गया है। और जेड़ा बंदा कब्र दे अंदर कामयाब ते कामरान हो गया है, ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ओनू सुला दिता जाएगा, ओदी कब्र नूं वसी कर दिता जाएगा। हजरात तुम जेड़ी बात मैं अर्ज करना चाहना, जरा गौर करे आजे, तवज्जो करे आजे, उधर ओदे घर वाले जेड़े ने ओदे घर वाले जेड़े ने सोचते ने, कोई ना कोई ऐसा मामला ते ऐसा तरीका इख्तियार करिए जिदे नाल साडे दुनिया तो जान वाले नूं कबर अंदर सवाब मिले, ओदे दरजात बुलंद हो जामना। पहले नंबर ते दसां कि जेड़ा बंदा आप जाती तौर ते नेक अमाल करके जांदा है, ओनू ओदे अमाल दा अजर भी कबर दे अंदर मिलदा वे। किवें मिलेगा? क्योंकि जदों बंदा नमाज पढ़द, मिसाल दे अल्लाह ने कुरान अंदर कहा है ना, وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, अल्लाह फरमांदे ने असी लिख लेने आ जो कुछ इन्हें अगे भेजे आवे, वो भी लिख लेने आ जो कुछ इन्हें पिछे छड़े आए, जेड़ा कुछ पिछे छड़ के जांदा है, दोनों चीज़ां असी लिख लेने आ। हुण जरा गौर करे आजे, तवज्जो करे आजे, बंदा ना नमाज पढ़दा, फजर दी नमाज पढ़ी है सवाब मिलिया, जोहर पढ़ीए ओदा अजर मिल गया, और जोहर तो बाद असर पढ़ीए ओदा अजर मिल गया, मगरब पढ़ीए अजर मिल गया। हुण मगरब दी नमाज तो बाद बंदा फौत हो जांदा है, ओनू ईशा दी नमाज दा फायदा होना नहीं, ओदा अमालनामे वाला रजिस्टर जेड़ा बंद हो गया, जेड़ी नेकी कीती है ओनू अगे भेज दिता है, और बकिया सिलसिला ओदा खत्म हो गया है। ते ओदे तो बाद अंदर कई ऐसे काम ने जिन्हां दे बारे मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, इज़ा मातल इंसानु इनकता अनहु अमलहु, अल्लाह दे नबी फरमांदे ने जिन्ने भी अमल करदा वे, जिन्ने भी अमल करदा इंसान, मरण तो बाद ओदे सवाब दा सिलसिला जेड़ा खत्म हो जांदा है, नेकी दा सिलसिला खत्म हो जांदा है। फरमाया सला सतीना अशिया इनाम, तिना अमला तो इलावा, तिना अमला तो इलावा केड़े केड़े तीन अमल ने? आप फरमांदे ने सदा का तुन जारिया, तीन अमल जेड़े ने जारी रहने वाले ने, जिन्हों सदका है जारिया किया जांदा है। औ इल्म युनफत युनफाऊ औ इल्म युनफाऊ, आका फरमांदे ने जेड़ा नफे वाला इलम, जेड़ा नफे वाला इलम है, मिसाल दे तौर ते बंदे ने किसे
किसे नू इलम पढ़ाया यानी कुरान दी दौलत अल्लाह ने अता की है। पैगंबर अलैहि सलातो सलाम दी हदीस दे इलम दे नाल नवासे आए। मेरे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम फरमांदे ने जेड़ा उस बंदे ने इलम पढ़ाया वे ओ सिलसिला जिन्नी देर तक चलता रहेगा ओ जिन्नी देर तक अगे पढ़ते रहनगे अमल हुंदा रहेगा उसी तरह ओदा नू सवाब मिलता जाएगा। औ वलदुन सालिहुन यदउ लहु। आका फरमांदे ने जेड़ी नेक औलाद दुनिया ते छड़ के गया है ओदे जेड़े अमाल जेड़े आ पिछे छड़ के गया है यानी मिसाल दे तौर ते मेरे पैगंबर ने इंज करके मिसाल दिती ओ सतो की वाले ओ कुरानो सुन्नत दे परवाने ओ जरा गौर करे अजे तवज्जो करे अजे अपने हथी इंज दे कम करके जाइए कि जिदे नाल सानू कबर दे अंदर भी सवाब मिलता रहे। औलादा ने ना जेड़िया औलादा अल्लाह की कसम नसीबा नाल उहदे सुख मिलदे जे ओए ऐसे कई वाले दिन माशरे दे अंदर देखन दा नजर आउंदे ने कि कदे अपने बुढ़े बाप नू पुछया नहीं कदे अपने बुढ़ी मां नू पुछया नहीं जमदी है ते मर गई है सर्दी आ गई है इन्ना ते पता है मेरे बेटे नू सर्दी दी वजह तो गर्म कपड़ियां दी जरूरत है मेरी बीवी नू गर्म सूट दी जरूरत है मेरी बीवी ते मेरे बच्चिया नू चादर दी जरूरत है बूट ते जलाबां दी जरूरत है कदे नहीं सोचया जेड़े बाप ने मैनू जन्म दिता है जेड़े बाप ने मैं जेड़ा मेरा बाप ते मेरी माँ है आखिर उन्होंने भी ते सर्दी लगती होएगी कदे उन्हां वास्ते नहीं सोचिया। आ मेरे कलमा पढ़ वाले मुसलमान वीरा अज ना बंदा कई मापे अल्लाह जामद वेखन अंदर आंदे ने अपनी औलाद का मुस्तकबिल बनाते बनाते जबान तो झूठ बोलते ने औलाद का मुस्तकबिल बनाते बनाते चोरियां कर लेंगे ने औलाद का मुस्तकबिल बनांदे बनांदे बेईमानियां और ऐसे काम करदे ने जिदे नाल अपनी आखरत नूं तबाह करके रख लैंदे ने लेकिन औलादा तो सुख जेड़ा नसीबा नाल मिलदा है दुनिया दे अंदर भी नसीबा नाल है मरण तो बाद भी पता नहीं तेरी कब्र ते जाके दो बोल दुआ वाले जुमले उन्हें बोलने भी ने ते नहीं बोलने कम अज कम जिंदगी दे अंदर ऐसे अमाल कर जा जिन्ना अमालां दे बारे मेरे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया है कि अमाल नामे वाला रजिस्टर ते बंद हो जाना है लेकिन तेरा सिलसिला जेड़ा नेकियां वाला जारी रहना है। आप फरमांदे ने इन्ना मिम्मा यलह कुल मोमिन मिन अमलिहि व हसनातिहि बादा मौतिहि इल्मन अल्लमहु व नशरहु व वलदुन साल औलाद दुनिया ते छड़िए जिन्नी देर तक अपनी औलाद वास अपने मापिया दे वास्ते दुआ करते रहेंगे अल्लाह ओदा अजर कबर अंदर आता करदा रहेगा। बल्कि हदीस अंदर आंदा है मेरे पैगंबर अली की सलातो सलाम ने इंज करके मिसाल दी आप फरमांदे ने पानी दी नहर होए ना ओदे च बंदा डुबदा होए और गोते खा रहा है ते पुकारे आवे आओ मेरी मदद वास्ते मेरी मदद करे आजे मेरी सपोर्ट करे आजे। आका फरमांदे ने यही मिसाल कबर वाली है जदो बंदा कबर दे अंदर चला जांदा है उदो ओदी यही हालत ते कफियत हुंदी है कोई मदद वास्ते ओदी सपोर्ट करे मदद की है कि दुनिया तो जान वाले वास्ते दुआ करे जेड़ा बंदा ओदे वास्ते दुआ करदा है अल्लाह पाक दुआ दी बरकत नाल ओदे ते खैर करदे ने लेकिन एक गल दी गौर करे आजे जेड़ी दुआ है ओदी अंदर असी पबंदा असी आजाद नहीं क्योंकि दुआ इबादत है इबादत वास्ते आमीना दे लाल अलैहि सलातो सलाम दी दलील जरूरी है। एक होर गल समझे आजे क्योंकि हर मौका ते जे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसे मौके ते हाथ चुके ने ते ओते हाथ चुक के दुआ करनी चाहिए। अगर किसे मौका ते मेरे पैगंबर ने हाथ नहीं चुके तेरे
ने मेरे वास्ते ओ दलील उथे उंज दुआ करनी चाहीदी है। तुसी कहोगे किवें? मिसाल दे तौर ते बंदा नमाज पढ़दा है, सही अल बुखारी निकालो, सही अल बुखारी दी अंदर वादे हदीस है, मेरे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम नमाज पढ़दे जो रकू जांदे ते अपने हत्थां नूं कंधियां तक उठांदे, रकू तो सर उठांदे ते अपने हत्थां नूं कंधियां तक उठांदे। वेख लो इत्थे मेरे पैगंबर तो हत्थ चुकने मिलदे ने जिन्हों रफाई दैन आखिया जाता है, ते जिदो मेरे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम सजदे जांदे सजदे जांदे भी हाथ ना चुकदे ते सजदे तो उठ के भी अपने हाथ ना उठांदे। अगर उत्थे मेरे पैगंबर ने नहीं उठाए साढ़े वास्ते दलील है कि नहीं उठाने, ऐ दुआ वाला मसला है। जिस जिस मौका ते मेरे पैगंबर ने हाथ उठाए ने उते हाथ उठा के दुआ करो, जिते नहीं उठाए उते ना उठा के दुआ करो, उठाम तो बगैर दुआ कर लवो। आओ जड़ी गल मैं अर्ज करना चाहना वाने कुलादा दुनिया ते चढ़ जाना ते उदे वास्ते सदका जारी है। वा मुसहफन जेड़ा बंदा मुसहफ छड़ के जांदा है, मुसफत तो की मुराद है, बंदा जेड़ा वे अल्लाह ने खैर कीती है मस्जिद बना जांदा है, मस्जिद बना दी है, जिन्नी देर तक मस्जिद का सिलसिला जारी रहेगा उन्नी देर तक ना जिन्नी देर तक नमाजा ते जुम्मे अदाना ते कुरान पढ़िया जाएगा उदा सवाब बराबर दा कबर दे अंदर मिलता जाएगा। और मेरे कलमा पढ़ वाले मुसलमान वीरा इख्तलाफ ते नफरत ते गुस्से ते गल गलत नहीं बल्कि गल समझन वाली है पल्ले बन लै। तू मरना वे तेरे मरण तो बाद कुल्लां दा जा सतवें जा दसवें दा इहतमाम होना जा चालीए दा। मिसाल दे तौर ते कुल्ला तो लैके चालीए तक किन्ना खर्चा आ गया, मिसाल हल्का जिहा खर्चा महंगाई नूं मद्देनजर रखिए ना, तकरीबन 50,000 ते आम मामूली खेड़े, नहीं ते अल्लाह जानदा मैं गुनाहगार अखां नाल ऐसे बंदे वेखे ने जिन्ना चालीए दा खत्म दिता ते बाद अंदर रोंदे ने। बरादरी च नक नहीं सी रहिंदा, मैं मां दा चालीए दा खत्म दिता ते मैं कर्जे दे थले आ गया, बस दो दो तीन तीन लख तक गेम चली जा लख रुपया ते आम खेड़े। अज दे हालात माशरे दे अंदर मेरे आवीरा तू मरना है ते तेरे पुत्र ने अगर ए खर्चा करना है ओनू आखना मेरे आ बेटा तू मेरे नाल सपोर्ट कर, मैं अपने हाथी अल्लाह दा घर बना दा ताकि मेरे मरण तो बाद मेरी कबर नू अल्लाह जन्नत दा बाग ही बना दवे। इहदे मोर मेरे पैगंबर ने लाई है, कुल साथियां ते मोर पाकिस्तानी ते हिंदुस्तान दे मौलवियां लाईए। हज़रात हुण जिहड़ी गल अर्ज करना चाहना वा, जिहड़ा बंदा किसे नूं हदीस दी किताब लै के दे देंदा है, कुरान पा के किसे नूं लै के दित्ता वे ते जिन्नी देर तक कुरान पढ़दा रहिंदा है उहदा अजरो सवाब जिन्ने लै के दित्ता वे उहनूं कबर अंदर मिलदा है। जिवें माशाला जिस तरह मस्जिद इब्राहिम दे अंदर लाइब्रेरी दे अंदर ना ए बाबा जी दुनिया तो जेड़े सूबेदार साहब चले गए ने उन्हां दियां किताबां लाइब्रेरी दे अंदर अल्लाह उन्हां दी कबर ते रहमत फरमाए, उन्हां दियां किताबां इत्थे मस्जिद दे अंदर ने। अगर जे कोई बंदा आया बे हदीस दी किताब पकड़िए, हदीस दी किताब पकड़दा पढ़दा वे ते जेड़ा उहनूं सवाब है सवाब उत्थे कबर अंदर भी अल्लाह अता करेगा। ऐ जे जेड़ा कुरान चकिया वा आ सारा हम जो पिछे छड़ के जाओगे उहदा सवाब भी मिलेगा, जो पीछे छड़िया बे ओदा अजर भी मिलेगा। बंदा हदीस दी किताब जेड़ा लै के किसे नू दे देंदा है, कुराने पाक किसे नू लै के दे देंदा है, ओदे तो बाद अंदर बंदा किसे जगह मुसाफिर खाना बना देंदा है। लोग आके मुसाफिर खाने ते रुकदे ने अपने सफर नू आराम दे करदे ने, अल्लाह ओदा सवाब भी कबर अंदर अता करनगे। बंदे ते अल्लाह दी खैर किते नहर कढवा देंदा है, अज दे दौर अंदर किते नलका लवा दिता है, किते फिल्टर दा बोर करवा दिता है। जिन्नी देर तक पानी लोग पींदे रहनगे दुनिया तो टुर गया ओदा सवाब नू कबर अंदर भी हुंदा ही रहेगा।
जिन्नी देर तक सिलसिला जारी रहेगा। हजरात जरा गौर करे आजे तवज्जो करे आजे ए अमल ते ओने जेड़ा बंदा अपने हथी आप करके जांदा है, अपने हथी बंदा आप अमल करदा ते ओदा अजरो सवाब अल्लाह ताल अल्लाह पाक ओनू कब्र दे अंदर अता करदे ने। हुण जेड़े असी दुनिया ते मौजूद आ साडा भी दिल करदा है, साडा प्यारा जेड़ा दुनिया तो गया है, मैं ऐसा कम करा जिदे नाल अल्लाह ओदी कब्र ते खैर कर दवे, अल्लाह ओदी आखिरत वाली जिंदगी जेड़ी है बेहतर कर दवे। हुण सब तो पहले नंबर ते साडी जिम्मेदारी की है, अल्लाह पाक दे कुरान ने इस बात दा ऐलान फरमाया है। अल्लाह फरमांदे ने वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यकूलूना रब्बना ग़फिर लना वाली इख़वानी नल्लज़ीना सबकूना बिल ईमान वला तजअल फी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम। अल्लाह फरमांदे ने ओ लोग जेड़े बाद अंदर आए ने, मिसाल दे तौर ते जेड़े साडे प्यारे दुनिया तो चले गए ने, मिसाल दे तौर ते जिवें मेरी अम्मी दुनिया तो चली गई, अल्लाह उन्हां ते रहमत फरमाए जेड़े भी दुनिया तो गए ने। अल्लाह फरमांदे ने जेड़े लोग बाद अंदर आए ने उन्हां दा पहला हक की है दुनिया तो जान वालियां दे बारे, फरमाया रब्बा नगफिर लना वाली इखवानी नल्लज़ीना सबकूना ईमान। अल्लाह फरमांदे ने एक ते उन्हां वास्ते दुआ करनी है जेड़ी गल असल मैं अर्ज करना चाहना, वाला तज अल्फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना। ओ मेरे कलमा पण वाले मुसलमान वीरो, अल्लाह दी कसम जे मैं दुनिया दे बनाए मसले दी नफी करा, मुमकिन है पूरा सत्तो की मेरे खिलाफ हो जावे, मौलवी मेरे ते फतवे ला देन किंज दियां गल्लां करना है। ओ मेरे कलमा पण वाले मुसलमान वीरा, आखिर मैनू ते तेनू भी मौत आनी है। अल्लाह दे कुरान दी खुदा दी कसम जे वाजे तौर ते असी नफी करी जा रहे हां, पैगंबर अलैहि सलातो सलाम दे फरमान दा असी इनकार करी जा रहे हां, मौलवियां ने सानू उलझन दे अंदर पा दिता है। आओ मैं कहना पूरा सत्तो की खंगार मारो, मुमकिन ने एक भी बंदा ना मिले जेड़ा जिस बंदे दा इस मसले दे उत्ते अमल हो वे, एक बंदा भी शायद सत्तों की दी अंदर मौजूद नहीं जिदा कुरान दी सहत अमल होवे, खाहुल हदीस या गैरहुल हदीस अनफी। तजर्बा करके देखो कुरान ने आखी है पहला हक की है, असा तो सोची अपने ढिड नूं अगे रखे है, अपने पेट नूं अगे रखे है, असी नहीं वेखदे गरीब दुनिया तो गया है, नहीं देखदे मालदार दुनिया तो गया है, नहीं देखदे अपना दुनिया तो गया है, नहीं देखदे बगाना दुनिया तो गया है। जनाजा पढ़ना तो सैडे होके पुछना कुल्ला दा खत्म कदों है, किन्ने बजे होना है, खान नूं जो लभना है, असल बाप की तरफ आओ जिदा हुक्म अल्लाह दे कुरान ने दिता है। की ऐलान फरमाया, वला तज अल्फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना। अल्लाह फरमांदे ने सब तो पहले नंबर ते पहला हक है वे दुनिया तो जान वाले दे बारे, ओदे बारे अपने दिल नूं साफ कर लवो, दिलों नूं साफ करो, दिलों दे अंदर अदावत होवे अल्लाह जानदा दुनिया तो जान वाले दे बारे, ओदे वास्ते परेशानी दा सबब बन जांदा है। हदीस सही अल मुस्लिम दे अंदर मेरे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम ना एक जनाजे तो फारग होए ने ते हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो मेरे पैगंबर दे नाल ने एक जनाजे तो फारग होए, रस्ते दी अंदर चंद बंदे खड़े ने, आका अलैहि सलातो सलाम ने सुनिया उन्हां चो एक बंदा बोलदा है, आखदा यार आ जेड़ा बंदा दुनिया तो चला गया है ते बंदा ही बड़ा चंगा सी, अखलाक दा बड़ा आला, किरदार दा बड़ा आला सी। मेरे पैगंबर ने सुनिया ते अगे चल पिंदे ने, एक और बंदे ने एहो अल्फाज कह दिते,
आका अगे जाते ने घोर बंदे ने एहो अल्फाज कह दिते ने आप फरमाते ने वाजा बत सहाबर्स करते ने आका जी वाजा बत तो मुराद की है मेरे पैगंबर अली सलातो सलाम फरमाते ने आप फरमाते ने ए बंदा दुनिया ते इन्ने जिंदगी का वक्त गुजारिया है दुनिया ते बंदा रेंदिया हजारा बंदे तो कमियां कताइया हो जांदियां ने बंदे दे कोलों खतावां ते गुनाह ते गलतियां हो जांदियां ने लेकिन इन लोगों ने अच्छिया लफ्जा के नाल याद किया लोगों का चंगे अल्फाजा नाल याद करना अल्लाह नू इन्ना प्यारा लगे अल्लाह दी जिंदगी दे गुनाह माफ करके ते जन्नत दा दाखला अता कर छड़िया है सिलसिला तू सही आदि अंदर सही सनम दे ना रवैत आंदी है मेरे पैगंबर फरमाते ने कियामत दा दिन होएगा अल्लाह दी कसम दे मेरे कलमा पढ़ वाले मुसलमान वीरो जदों ऐसे वाकयात पढ़िए ते दिल अंदर जज्बा पैदा हुंदा है अल्लाह काश कदे ओ नसीबा वाले असी ही होइए ओ भागा वाले ते मकदरा वाले असी होइए मेरे पैगंबर फरमाते ने एक बंदा अल्लाह दी अदालत च आएगा ओदियां अमाल नामा जदों नेकियां ते बदियां तोलियां जान गियां ओदियां नेकियां घट जान गियां ते बदियां दी अंदर अजाफा हो जाएगा ते अल्लाह कहणगे ऐ मेरे बंदिया मेरे फरिश्तियां ने तेरे ना कोई ज़्यादती कीती होवे कवेगा नहीं अल्लाह बिल्कुल उसूल दे मुताबक हर नेकी ते गुनाह नू दर्ज कीता है मेरे पैगंबर फरमांदे ने अल्लाह कहणगे मेरे आ बंदिया एक नेकी दे दे मैं तेनू जन्नत दा दाखला अता कर दवां मेरे पैगंबर अली की सलातो सलाम फरमांदे ने कवेगा अल्लाह ने की कोई नहीं फिर मेरे आका अली की सलातो सलाम फरमांदे ने आप फरमांदे ने अल्लाह फरिश्तियां नू बुला लेंगे आखणगे मेरे फरिश्तियो मैनू मेरे बंदे दी एक नेकी दे दियो मैं इहदे ते खैर कर दवा मैं इहदे ते रहमत करके जन्नत दा दाखला अता कर दवा सोनिया तू आम तेरी जबान ते अल्फाज हुंदे ने मां अपने बेटे नाल जिन्ना प्यार कर दिए अल्लाह ओदे नाल 99 गुना वध प्यार करदा है अल्लाह ओदे नाल ज्यादा मुहब्बत करदा है लेकिन सोहणिया अल्लाह नहीं चाहुंदा कि मेरा बंदा कोई जहन्नम ते जावे मेरा बंदा कोई जहन्नम दा बालन बन जाए आका फरमांदे ने फरिश्ते आखणगे अल्लाह सोहणिया ने की कोई नहीं जो भी सी तुहाडी अदालत च पेश कर दिता है मेरे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम फरमांदे ने आ फरमांदे ने अल्लाह कहणगे मेरे फरिश्तियो जदों इहदी रूह तुसा कबज कीती सी इहदे बारे इहदे महल्ले वाले की कह रहे सन इहदे खानदान वाले की कह रहे सन इहदी बरादरी शरीके वाले की कह रहे सन ते मेरे आका फरमांदे ने अल्लाह नू फरिश्ते कहणगे मालका तुहाडी अदालत च ते नेकियां घट गईयां ने पर लोग कहिंदे सन बंदा बड़ा चंगा है बंदा बड़ा अच्छा है अखलाक किरदार दा बड़ा चंगा बंदा है आका फरमांदे ने अल्लाह ओनू ही नेकी बनाणगे नेकी बना के ते जन्नत दा दाखला अता कर देणगे अज असी अपने गिरेबान अंदर जा करके वेखीए कि बंदा वे जड़ाई दे अमल पिया करता है आदर इस तो आगे बढ़िए मुसनद अहमद अंदर रवैत आमिना दे लाल अलैहि सलातो सलाम ने वेखिया एक बंदा दुनिया तो चला गया है लोगों ने जिमें तेरी मेरी आदत है जिदे माड़ी जी अदावत है ना किसी कोई जाति तौर पर कम पै गया कम नहीं ना आया तो मर गया दुनिया तो टुर गया असी ओदे कीड़े कढ़ने आ मगरों लह गए चंगा हो गया फला मौके ते मेरी गल नहीं मननी फला मौका ते मेरे नाल इन्ने ज़्यादती कीती फला टाइम ते इन्ने मैनू परेशान किया जिवें तेरी मेरी आदत है कीड़िया का कढ़ना मेरे पैगंबर अली सलातो सलाम ने यह गल्लां सुनिया आका फरमांदे ने वाजाबत सहाबत करदे ने आका जी उत्थे वाजाबत आखिया सी चंगे बंदे वास्ते इत्थे भी वाजाबत पे कहिंदे हो मेरे आका फरमांदे ने ऐ मेरे परवाने हो दुनिया ते रहिंदिया बंदे कोलो चंगे काम भी हो जांदे ने जिहड़ा बंदा आखरत च त बंदा अल्लाह दी अदालत च नाकाम हो जांदा है अल्लाह नू नेकी दा सिला दुनिया दी अमदारी दे देंदे ने ऐ बंदा जिहड़ा दुनिया तो चला गया है लोकां ने बुरियां लफ्जां दे नाल याद कीता लोकां दा भैड़ियां अल्फाज़ां नाल याद करना अल्लाह नू इन्ना बुरा लगा इस वजह तो ऐ बंदा जहन्नम दा बालन बन गया है मैं कहना वा किसी वाल उंगल ना करिए मैं अपने गिरेबान अंदर जांका
हर बंदा अपने गिरेबान अंदर नजर मार के वेखे खा वाबीए ते खा हनफीए खा पंज वक्त दा नमाजीए ते जेड़ा कदी मसीह ते नहीं वड़िया जेड़ा अठा दिन बाद जुम्मा पढ़दा है चाहे कोई बंदा नमाजीए ते गैर नमाजीए वहाबीए ते गैर वहाबीए मैं कहना अपने अपने अंदर जरा झांक के वेखिए अपने गिरेबान अंदर नजर मार के वेखिए क्या तेरी मेरी जिंदगी दे अंदर कोई ऐसा मौका होवे के सारी जिंदगी असा कदे दुनिया तो जान वाले नू गलत ना आखिया होवे। एक बंदा नजर मार लो पूरे सत्तोकी दे अंदर मैं कहना पूरे सत्तोकी नू की करना है अपने अंदर ही जान करके देखिए अपने अंदर ही नजर मार के वेखिए ए साडे ते हक सी असी पूरा पे करने हैं। बाकी हर मसले ते साड़ियां लड़ाइयां झगड़े इख्तलाफात नफरतां कदे असा इन्हां चीज़ां ते गौर नहीं कीता असी ते सिर्फ खाम ते तरजी इज्जत ते तरजी जिदे नाल दुनिया तो जान वाले दी कबर नूं अल्लाह जन्नत दा बाग बनाना है कदे नसर मार के नहीं वेख्या असा नहीं मरना ओ दुनिया तो काफर जाए उन्हूं गलत नहीं कहना। कोई शक है कि अबू जहल मेरे पैगंबर दा गुस्ताख नहीं सी गुस्ताख सी ते नहीं जहन्नम दा बालन है ते नहीं आका ने ललकार के बदर दे मौका ते आखिया नहीं सी जेड़ा मैं वादा कीता सी अल्लाह ने जे पूरा करके दिखाया ते नहीं दिखाया जहन्नम अंदर जान च शक नहीं। अबू जहल दा बेटा कलमा पढ़ लिया सहाबाई कराम बैठे ने ते आखन लगी अबू जहल जहन्नम च सड़दा होना है ते मेरे पैगंबर दा परवाना अबू जहल दा बेटा आका दी अदालत च हाजिर होया ते अखां च आंसू ने आखदा सोनिया मैं मनना वा मेरा बाप इस्लाम दा दुश्मन सी मैं मनना वा मेरा अबू तुहाडा गुस्ताख सी मनना वा आखरत अंदर जलील हो जाएगा लेकिन इन्हां नूं कहो मेरे सामने ना कन मेरा बाप है मैनू दुख भी ते किसे वेले आ ही जांदा है। मेरे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम फरमांदे ने लाता सुबू अमवात फरमाया जिन्हों मौत आ जाए ओनू गलत नहीं आखना लेकिन अज तेरी मेरी कफीयत की है अल्लाह जानदा मैं ते अखां नाल मंजर वेखे ने कन्ना नाल हालात सुने ने बाप दुनिया तो जांदा है ते बेटा शिकवे करदा नजर आंदा है बाप बेटा दुनिया तो बाप जांदा है ते बेटा शिकवे करदा है। अगर जे दो या तिना भैणा दा निकाह करना पै गया है ना ते इंज कब्रस्तान वाले मुंह चुकिया है आखदा है मैं तेरियां जमियां वेआवां ते अपनियां जमियां वेआवां मैं तेरियां जमियां दे मगर इदां लैके जावां मैं अपनियां जमियां दे मगर जावां ओ मेरे वीरा अल्लाह जानदा है हमसाया हमसाए ते शिकवे कर रहा है बेटा अपने बाप ते शिकवे कर रहा है बाप अपने बेटे ते शिकवा कर रहा है चंगा होया मगरों लह गया इन्हें ते मेरे नक च दम दे के रखिया सी आए दे नहीं दे लामे ते शिकवे सुनना सा लेकिन सोने आ दुनिया तो जान वाला ओदे बारे दिलां नूं साफ कर लै अगर तेरे मेरे दिलां नूं साफ करम दे नाल जबान तो चंगे ते अच्छे अल्फाज कहम नाल अल्लाह नूं जन्नत दा दाखला अता कर दे ते तेरा मेरा नुकसान की है कोई नुकसान नहीं पहला हक है जे ए उसूली तौर ते चाहिदा की है हर खतीब दा हर मौलवी दा जदों भी जनाजा पढ़ाए सब तो पहला ऐलान करे ए जेड़ा पहला हक जे इस नूं सीने दे नाल लगाओ तुहाडे चंगे लफ्ज़ां नाल याद करन नाल अल्लाह जो दे ते खैर कर दे ते होर की चाहिदा असां नहीं मरना आंदे ने ना ओए जैसी करनी वैसी बरनी ओए जैसी करनी वैसी बरनी ना माने तो करके देख दोजख भी है जन्नत भी है ना माने तो मर के देख हजरात उन पता चलिया कि दुनिया तो जो चलिया जांदा है अपना प्यारा जेड़ा भी जांदा है मुसलमान ओदे वास्ते दुआ ओदे बारे अपने दिल नू साफ कर लेना अपने दिल अंदर ओदी अदावत नहीं रखनी अपने दिल अंदर ओदी नफरत नहीं रखनी हजरात ओदे बारे दिल नू साफ कर लेना है। हुण आओ जरा इस तों आगे बढ़िए अज दे दौर अंदर तेरी मेरी कफीयत हालत की है असी ला इलमी दी अंदर अल्लाह जानदा कुरान दी गुस्ताखी कर जाने आ
वैसे कोई बंदा नहीं जिन्हें कलमा पढ़िया जिहड़ा कुरान की गुस्ताखी करे। लाइलमी दे अंदर किवें मिसाल दे तौर ते तजियत वास्ते गए हां, बाप दुनिया तो गया भाई गया बैठे हाँ, हुंदा की है अज दियां जेड़ियां महफलां ने उत्ते अखबार ना होवे, उत्ते हुक्का ना होवे, उत्ते कोई बंदा ही नहीं आंदा, उत्ते बैठे एक दूजे दियां चुगलियां करी जाने आ, बैठे एक दूजे दियां गीबतां करी जाने आ, बैठे सिगर पीवी जाने आ, आया एक बंदा जी पढ़ो सूरतुल फातिहा, एह जी दुआ करनी है ते सिगर पीण वाले ने सिगर कढ़िया, मैं अल्लाह जानदा आप वेख्या तुसी भी वेख्या होना है, सिगर नूं इंज रखिया ते हाथ चुक ले पढ़न लग पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहम्दुलिल्लाहिरब्बिलआलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। मैं नहीं कहिंदा अपने ज़िहन नाल फैसला करके दसिया जे सिगरट पी के अद्धा पी के सैड ते रख के हाथ दुआ वास्ते चुक के ते सूरत फातिहा पढ़े क्या कुरान की तुहीन ते गुस्ताखी नहीं? अगर ऐ कम गैर मुस्लिम करे असी उन्हों गलत कहिए, अगर ओ पेरे पैगंबर दा नाम इस तरीके दे ना लवे जा कुरान पढ़े साढ़े नज़दीक ओ कुरान दा भी गुस्ताख सोने पैगंबर दा भी गुस्ताख, अगर ओ ही कम असी करिए असी कादे मुसलमान? जेनवन मुसलमान बन जाइए जे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम दी सही माने दे अंदर सीरत अमल करिए ते बंदा कई चीज़ों तो बचता है, कई गुनाहों तो बचता है। हुण उस तो बाद हुक्म की है, बंदा दुनिया तो गया है क्यों दे घर जाके दुआ करनी है? अल्लाह दे नबी दी तलीम की है? मेरे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम फरमांदे ने तुसी तसीयत करनी है यानी उन्होंने तसली दा देना, हौसला देना यानी उन्होंने इस चीज की तसली देनी। यार अल्लाह ताला दे फैसले ने, अल्लाह दा निज़ाम है, कुदरत दा निज़ाम है, जेड़ा दुनिया ते आया बे अमानता ने अल्लाह दियां साड़ियां जाना, वक्त दे मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, दुनिया तो चले आ बल्कि मैं ते तबका दिबने साद अंदर पढ़िया है। मेरे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम फरमांदे ने हदीस ते अमल करिए ना गुनाह नहीं जे हुंदा। मेरे पैगंबर फरमांदे ने इन्नी कु देर तजियत करो, इन्नी कु देर तजियत करो, जिवें बंदा जांदा होवे रस्ते दी अंदर बंदा भुल जांदा है, रस्ता बंदा उखड़ गया, रस्ता बंदा भुल गया है, ते जदों किसे बंदे दे कोलों पुछदा वे यार मैनू दस ना फलां रस्ता केड़ा है, मैं फलां जगह ते जाना है, मिसाल दे तौर ते सत्तों की बंदा आ गया है उन्हें रुखां वाले जाना है, ते इतो ही पूछ लेंदा वे बाड़ो सड़क तो यार मैं रुखां वाले नू जाना वे केड़ा रस्ता है, बंदा दसदा बे इतों इंज चला जा अगे रस्ता आएगा उतों इस तरह जाई ते फिर अगे सामने अगे सफर करता जाई ते रुखां वाला आ जाएगा। अदरात इहदे ते बंदा गौर करे किन्ना कु टाइम लगता है, एक मिनट भी नहीं लगता, एक मिनट नहीं लगता। हुण मेरे पैगंबर दी तलीम है उन्नी देर तजियत करो जिनी देर राह भुलिया बंदा अपना रस्ते अपनी रहनमई वास्ते रस्ता पुछदा है। हजरात हुण जे बंदा इस हदीस ते अमल करेगा पैगंबर दियां बातां ते फिर उत्थे ज्यादा देर बवेगा नहीं, चुगली करन तो बच जाएगा, गीबत करन तो बच जाएगा, चुगली सुनन तो बच जाएगा, गीबत सुनन तो बच जाएगा, सिगरट पी के ते सुर फातिहा पढ़न तो बच जाएगा। अल्लाह जानदा जी असी जिस हस्ती दा कलमा पड़े आए, मेरा ईमान है उस पैगंबर ने कल कयामत दा दिन होना है, अनू अल्लाह दियां रहमतां ते बड़ियां उम्मीदां ने, अल्लाह दी साथ ते बड़ा भरोसा है, कल कयामत दा दिन होएगा जेड़ी हस्ती दा असा कलमा पढ़िया है साढ़े वास्ते शिफात करनगे और अल्लाह पाक सानू अपनी रहमत नाल माफ करके ते जन्नत दा दाखला अता करनगे। लेकिन सोने कदों होएगा जदों असी सोने पैगंबर की तरह अमल करांगे, सोने पैगंबर की तरह तरीका कार अपनावांगे। हज़रात हुण पता चलिया कि तजियत करनी ते जायज़ है, लेकिन उस मौका ते हाथ उठा के दुआ दा करना या सूरतुल फातिहा दा पढ़ना नहीं, बल्कि अगले बंदे नू तसली दा देना, अगले बंदे नू समझाना यानी उहदे गम नू हल्कियां करना, उहदे बोझ नू हल्कियां करना, उहनू तसली देना यार मेरे मालक दियां मर्जियां ने। हज़रात हुण आईए इस तों आगे बढ़िए मेरे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम दे कोल ना, मेरे
ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਖੀ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਦ ਬਿਨ ਅਬਾਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਦਕੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਦਕੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਗੱਲ ਉਸੂਲ ਵਾਲੀ ਜੇ। ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਦਿਲ ਤਸਲੀਮ ਕਰੇ ਤੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਲਈ, ਨਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਵਾਜ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 10 ਕੁਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, 20 ਕੁਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, 30 ਕੁਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਕੀਕਤ ਬਾਤ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੜਿਆ ਕੁਰਾਨ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਬਲਕਿ ਨੇਕ ਕਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਲ ਉਲਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੇ, ਕਬਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਰੱਬਾ ਨਗ ਫਿਰ ਲੀ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਦਈਆ, ਰੱਬਾ ਨਗ ਫਿਰ ਲੀ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਦਈਆ, ਵਾਲਿਲ ਮੋਮਿਨੀਨਾ ਯੌਮ ਯਕੂਮੁਲ ਹਿਸਾਬ। ਕੀ ਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੋਮਨ ਨੇ ਔਰ ਵਾਲੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮੋਮਨਾ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਮਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕਰਨਾ। ਹਕੀਕਤ ਬਾਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸੰਦ ਨਾ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦ ਆ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਵਾਬੀ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਭਾਵੇਂ ਹਨਫੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਏ, ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਚਾਹੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਏ, ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਚਾਹੇ ਸ਼ੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਮਾਨਣੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਰਾਤ, ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦਾ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਵਾਜ਼ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਬਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਇੰਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਮਲ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਜਾਣਦਾ ਭਾਈ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਪ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਜਾਣਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੀਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੋਹਰ ਜਾਣਦਾ ਬੀਵੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਹਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਦਮਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਵਾਇਤ ਵੀ ਸਹੀਹੁਲ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅੰਜ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਕਬਰ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੀ ਅੰਮਾ ਸਬਰ ਕਰਨਾ, ਨੀ ਅੰਮਾ ਸਬਰ ਕਰਨਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਇਮਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਮਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਹਜ਼ਰਾ ਦਰਾ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਏ ਕੀ ਖੈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨਬੀ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਇਮਾਮ ਨਬੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਖ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਖਦੀ ਆਕਾ ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਬਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਸਬਰ ਹੈ? ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਰਾ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਗਤੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਉਠਾਇਆ, ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਇੰਜ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ
पैगंबर दियां अखां डुल पैंदियां ने। मेरे पैगंबर दा परवाना इक अगे निकलिया, इंज मेरे आका दे कंधे ते हथ रख के अख लगा, आका जी अज ते तुहाडियां अखां च भी आंसू आ गए ने, की माना ते की मतलब है। आका जी तुसी ते रोंदियां नू चुप करान वाले, आका तुसी ते यतीमां नू सीने लान वाले, आका जी तुसी ते गरीबां दे सर ते हथ शफकत दा रखन वाले, आका जी अज ते तुहाडियां अखां च आंसू आ गए ने। यारा कदे वेखिया नहीं हो इंज, मां दुनिया तो जाए बेटे बेटियां रो रहे ने, ते बाप हंजे इक सैड ते खड़ा है, ते लोग आंदे ने अपने पुत्रां नू तसली दे, अपनियां बेटियां नू तसली दे। अल्लाह जानदा करदा मेन सरबरा रो लग पवे, ते लोग आंदे ने यार जे तेरी है कफीयत ते तेरी औलाद दी की बनेगी, तेरी है हालत ते इन्हां दा की बनेगा। हुण मेरे नबी अल्लाह जानदा हर बंदे नू सीने ला वाले, अगर कोई पत्थर मारे ते आका सीने ला लैन, अगर मेरे आका ते कूड़ा सट्टे ते मेरे आका ओदे वास्ते भी रहमत दी दुआ करन, आका ते गंदियां जड़ियां सटियां गईयां ते आका उन्हां नू भी सीने लान। मेरे पैगंबर दियां अखां च आंसू आ जांदे ने, आका फरमांदे ने ऐ मेरे परवानिया मेरियां अखां च आंसू आए ने, अखां दा रोना ते रब दी रहमत होया करदा। मैं केड़े वैन पा रहा वा, अखां दा रोना ते रब दी रहमत होया करदा। मैं जड़ी गल दसना चाहना यारा, जदों अपना दुनिया तो जांदा उदों चोट बड़ी लगदी है, किते इंज ना होवे ओनू जन्नत बचांदे बचांदे कुरान हदीस दी नफी ना कर लईए, ओनू जन्नत पहुँचांदे पहुँचांदे कुरानो हदीस दी मुखालफत ना कर लईए। आओ जड़ी बात अर्ज करना चाहना वा, फिर असी कब्रस्तान अंदर कुरान तिलावतां शुरू कर देने। अल्लाह जानदा जे मैनू अदावत ना कुरान दे नाले, ना मैनू अदावत दुनिया तो जान वाले दे नाले। अल्लाह दी कसम उठा के आना वा, मैं अल्लाह दा कुरान अपने हाथ अंदर पकड़ के आना। अज भी सतो की दी अंदर काफ़ी मस्जिदा ने, किसी मस्जिद का इमाम खतीब जेड़ा है या पूरी दुनिया पाकिस्तान दे विचों, मैनू कोई सही संद ना लेकर वैत विखा दे कि मां की कबर ते कुरान पढ़िए, बाप दी कबर ते कुरान पढ़िए, बेटे दी कबर ते कुरान पढ़िए, मसाए दी कबर ते कुरान पढ़िए, ते अल्लाह खैर कर दे। खुदा दी कसम मैं उदा शुक्रिया अदा भी करांगा, उदा शुक्रिया अदा करांगा पैगंबर दी हदीस दसिया। और अल्लाह जानदा मैं किसे दी गल नहीं करदा, क्योंकि मैं कलमा किसे वहाबी दा नहीं पढ़िया, मैं कलमा किसे हनफी दा नहीं पढ़िया, मैं कलमा किसे इमाम दा नहीं पढ़िया, मैं कलमा किसे मुफ्ती दा नहीं पढ़िया, मैं कलमा किसे शेख दा नहीं पढ़िया, मैं कलमा किसे वडेरे दा नहीं पढ़िया, मैं कलमा किसे चौधरी दा नहीं पढ़िया, मैं कलमा पढ़िया ते इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़िया है। अल्लाह दी कसम हदीस मिल जाए, जिद नहीं, नफरत नहीं, इख्तलाफ नहीं, ओनू इज्जत नाल सलूट भी मारांगा, ओनू खुशी नाल सूट लैके दवांगा, खुशी नाल ओदी खिदमत भी करांगा। तू पैगंबर दी तलीम दसीए, आमिना दे लाल अलैहि सलातो सलाम दा फरमान मेरी नजर अंदर नहीं रहनमई कीती है। अल्लाह जानदा मैं भी दुनिया तो जान वाले वास्ते ओदी कबर खलो के अल्लाह दे कुरान दियां तिलावतां करांगा। ऐ गल मैं क्यों कर रही हां कि ते उनू जन्नत च कल दे आप कुरान हदीस दी नफी ना कर बैठिए। मेरे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम दे कोल ना हजरत आखरी गल करां ते गल मकावां, हजरत मेरे पैगंबर दे कोल हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु आए ने, आखदे ने आका जी मेरी मां दुनिया तो चली गई है, मैनू उम्मीद सी जे मेरी मां दुनिया ते हुंदी, इन्ना उम्मती माता तफाता सदका, मैनू हुक्म दें दी सदके दा। ते मेरे आका अलैहि सलातो सलाम फरमांदे ने तू इंज करना कि ते पानी वास्ते कुएं दा इंतजाम कर दे, कुएं दा एहतमाम कर दे, कुएं दा एहतमाम कर दे, जिन्नी देर तक लोग पानी पींदे रहनगे उन्नी देर तक तेरी मां नू कबर अंदर अल्लाह सवाब अता करदे रहनगे। या कोई वालिदैन नेक अमल दी नज़र मनी है, मिसाल रमज़ान आ गया है, और दी नीयत है
कि अल्लाह ने सेह दिती, मैं रोजे जेड़े रह गए ने रखने ने, दुनिया तो टुर गया, बाप है माँ है ओदी औलाद जेड़ी है वह रोजे रखे ओदा सवाब उन्हूं कबर अंदर मिलेगा। इत्थे मेरे आका ने मिसाल दे के दसिया कि जिवें किसी ने कर्जा देना होए तो उहदा कर्जा औलाद का हक है उतारना तो नहीं, फरमाया हाँ है। फरमाया इसी तरह जिहड़ी उहने नज़र मन्नी है ना नेक अमल दी, कई वालिदैन हुंदे ने उह नज़र मान लेंदे ने अल्लाह पाक ने मेरे ते खैर कर छड़ी ना ते मैं इंशाल्लाह किसी जगह नलका ला देना, अल्लाह ने खैर की मैं मस्जिद च फलां चीज़ लवा देनी है या फलां जगह फलां कम कर देना, उहदे च औलाद पबंदे उहदा हक बनदा कि अपने वालिदैन दीआं नज़रां नूं पूरियां करे। سبحان ربي العظيم سبحانه يا سيدون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।